देखिए ये बड़ी दुखद सूचना है, यदि आरपीएन सिंह जी जैसे लोग भी कांग्रेस छोड़ेंगे तो कांग्रेस का बड़ा भारी नुकसान होगा, क्योंकि इनके पिताश्री सेंटर में मिनिस्टर रहे हैं और उससे पहले इमरजेंसी के टाइम में इंदिरा जी ने उनको इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का सेक्रेटरी बनाया था स्पेशल बुला करके। तो परिवार जो है वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, आरपीएन सिंह का अपना अच्छा स्वभाव है, काम करने वाले हैं, और उनका छोड़कर जाना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। हेलो, चले गए योगानंद शास्त्री जी, जितिन प्रसादा चले गए और आप भी चले गए, आप एनसीपी से जुड़े हैं और उससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी चले गए। अभी वो जो यंग लीडर्स है जिनमें से जो 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 क्लोज थे खरी जो क्लोज थे खास थे राहुल और प्रियंका वाड्रा के साथ, वो आरपीएन थे, अभी रिजाइन कर दिया आरपीएन जी ने रिजाइन कर दिया। जितिन प्रसाद ऑलरेडी बीजेपी में है, ज्योतिरादित्य सिंधिया यूनियन मिनिस्टर है, सिर्फ सचिन पायलट बाकी है। आपको क्या लगता है कि और लोग भी छोड़ के जा सकते हैं? नहीं देखिए, ये कह नहीं सकते और लोग छोड़ेंगे या नहीं, हम तो पार्टी में रहे हैं इसलिए उसका बुरा नहीं चाहते, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ किसी का सम्मान नहीं है, किसी से कोई सलाह नहीं ली जाती, पता नहीं किस तरह के लोग सलाहकार हैं और उनके आधार पर पार्टी चल रही है, गलत लोग आगे आ रहे हैं। और जो कांग्रेस के प्रति कई दशकों से आस्था रखते थे, काम करते थे, वो लोग छोड़ करके जा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत दुखद है। लेकिन इससे सबसे बड़ी बात ये है कि कांग्रेस हाई कमान को संज्ञान लेना चाहिए, और ये दोनों तो जितिन प्रसाद और आरपीएन सिंह तो राहुल जी के खास थे, मिनिस्टर भी इनको बनवाया था उन्होंने, वो ऐसे लोग भी दी जा रहे हैं, तो आत्मचिंतन करना चाहिए कांग्रेस हाईकमांड को, मंथन करना चाहिए, बातें करनी चाहिए अपने लोगों से, तभी जाकर के सिलसिला रुक सकता है। हाँ जी, नो आपने एक बड़ी चीज बोली कि सम्मान नहीं मिलता है कांग्रेस पार्टी में, आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट। अमिताभ समीक्षा, पीयूष, आई एम हैंडिंग इट ओवर टू यू। शास्त्री जी, क्योंकि अगर आप जवाब दे सके इस मुद्दे पर, क्योंकि ऐसा क्यों है कि हम देख रहे हैं कि काफी जो दिग्गज कांग्रेस के नेता है वो ही छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि पहले ये खबर ज्यादातर आती थी कि जो लोअर बेस है या पार्टी बेस है या पार्टी काडर है वो कनेक्ट में नहीं रह पाते हैं टॉप ब्रास के साथ, अब यही बात क्या टॉप लीडर्स के साथ भी हो रही है कि वो टॉप ब्रास जो पार्टी का है वो उनके कनेक्ट में नहीं है, वो उनकी बात नहीं सुनते, और इसीलिए एक एक करके हम देख रहे हैं कि काफी पहले टाइम में जो क्लोज नेता रहे हैं वो एक एक करके सब छोड़ते हुए जा रहे हैं, वजह क्या है सर? नहीं, वजह तो ये खुद हाईकमांड को सोचना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि क्यों जा रहे हैं। हाईकमांड यदि इसी तरह का रवैया रखेगा तो बड़ा मुश्किल होगा आगे पार्टी को चलाना। ये तो बहुत ही ज्यादा फेथफुल थे, इंदिरा जी ने इनके पिताश्री को इमरजेंसी में इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया था, उसके बाद वो रक्षा मंत्री बने थे, और आरपीएन सिंह जी भी मिनिस्टर थे होम में। तो ऐसे लोग जा रहे हैं तो ये सोचने वाली बात है, चिंतन करने वाली बात है, और हाई कमांड को चाहिए कि बैठ करके इन सब बातों पर मंथन करें और जो अच्छे लोग हैं उनको पार्टी में रोकें, नहीं तो पार्टी में कुछ बचेगा नहीं। न जाने कौन किस तरह के सलाहकार हैं, एक एक आदमी को कई कई पद दे देते हैं और जो बाकी रह जाते हैं उनका सम्मान तक नहीं होता है, यही कारण है कि लोग छोड़ कर जा रहे हैं। योगानंद शास्त्री जी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हमने देखा है कुछ दिनों में क्या हुआ है, प्रियंका गांधी वाड्रा की अगर हम बात करें, उन्होंने जो जिस तरह के स्टेटमेंट्स दिए हैं कि वो पहले चीफ मिनिस्टर का फेस उन्होंने बोला कि वो होंगी, उसके बाद उन्होंने बैक ट्रैक किया, कोई क्लियर कट स्ट्रैटेजी भी नहीं लग रही है कांग्रेस पार्टी की अगर हम इलेक्शंस की बात करें, तो आपको लगता है इस सब को लेकर कहीं ना कहीं इन लीडर्स में ये था कि कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई क्लियर कट प्लान नहीं है, उसकी वजह से ये लीडर्स इतने सारे छोड़ के जा रहे हैं? देखिए, राजनीति
राजनीतिक लोगों से चलती है। यदि राजनीति से बाहर के लोग आप अपने एडवाइजर रखेंगे, उनसे सलाह लेंगे और जो वो कहें उस पर चलेंगे, तो फिर बड़ा मुश्किल है यहाँ पर किसी को रोकना। जी योगानंद शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो दैट इज वी हैव बीन स्पीकिंग टू दोज टॉप लीडर्स हु वर वंस पार्ट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, बट वन आफ्टर द अदर दे हैव बीन नाउ लीविंग द कांग्रेस पार्टी इन जंपिंग शिप, एंड दिस इज गेट अनदर सेटबैक टू द कांग्रेस पार्टी। RPN Singh, the story that Republic was the first channel to break here on the channel, as we are getting you back-to-back details of how he first actually removed his Twitter bio as